हेलो फ्रेंड, मैं हूँ सोनिया। चलिए फिर आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज की रेसिपी है हमारी ककोरा। ककोरे को हमने बारीक बारीक टुकड़ों में काट लिया है। सबसे पहले इसको अच्छे से धो लिया, फिर इसको बारीक टुकड़ों में हमने काट लिया है। अब हम गैस को ऑन करते हैं, फ्राई पैन लेते हैं। फ्राई पैन में तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। हमारा तेल गर्म हो चुका है और अब हम आधा चम्मच राई डालेंगे, आधा चम्मच जीरा, और इसको अच्छे से भूनेंगे हम। और अदरक और हरी मिर्ची का पेस्ट है, इसको भी डाल देंगे और इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब हमने अदरक और हरी मिर्ची का पेस्ट जो डाला था वो अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें एक पिंच हींग डालें, इसको भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें ककोरे डालेंगे जो हमने बारीक टुकड़ों में काट के रखे थे, और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच रेड चिल्ली पाउडर और आधा चम्मच सौंफ का पाउडर डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। आधा चम्मच हम कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से कोट हो चुके हैं। अब हम इसको 5 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे। 5 हमें स्लो ही करना है। 5 मिनट हो गए हैं, हम अपनी सब्जी को देखते हैं। मसाले अच्छे से हो गए हैं। अभी हमारी सब्जी हल्की सी कच्ची है, इसमें हम 1 चम्मच पानी डाल देते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। 5 मिनट के लिए हम सब्जी को और रख देते हैं ताकि हमारी सब्जी क्रिस्पी हो जाए अच्छे से। एक बार सब्जी को चेक कर लेते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हमारी सब्जी बन चुकी है। अब हम इसमें 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर और धनिया पत्ता जो हमने बारीक टुकड़ों में काट रखा था वो डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेते हैं। इस सब्जी को बनने में 10 मिनट लगे हैं। अब हमारी सब्जी अच्छे से क्रिस्पी हो गई है, कुरकुरी। हमारी ककोरे की भुजिया रेडी है। अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। गैस को ऑफ कर देते हैं। एक बॉइल में सर्व कर लिया है। हमारी ककोरे की सब्जी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए बाय बाय।